हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे, और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत, और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। सुबह के 5:11 हो चुके थे, तो यहाँ पर सुबह के काम शुरू हो चुके हैं। और सुबह का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है पूरे घर में झाड़ू लगाना। तो उधर वाले घर में तो हमने लगा दी है, उसके बाद आ गए थे इस वाले आंगन में। तो दोस्तों, आज है 26 अप्रैल, दिन है शुक्रवार, सुबह का टाइम है। जी हाँ, ये आज का ही वीडियो है। और आज ही हम वीडियो शूट कर रहे हैं और आज ही आप सभी लोगों तक हम पहुंचाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लगे हुए हैं। तो झाड़ू लगा लेते हैं आंगन में। और दोस्तों, आज अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आज तो बहुत बड़ी ही दिक्कत आ गई है। एक तो आज वीडियो शूट भी करना है, एडिट भी करना है, अपलोड करके आप सभी लोगों तक पहुँचाना है। और वैसे तो हम एक दिन पहले ही वीडियो शूट कर लेते हैं, हम क्या सभी जो यूट्यूबर होते हैं एक दिन पहले ही वीडियो शूट कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ समस्या आ गई जिसकी वजह से वीडियो नहीं शूट हो पाया था। तो हमने कहा आज कैसे भी करके आप सभी तक वीडियो जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि जब वीडियो नहीं पहुंच पाता है तो हमारे प्यारे प्यारे दोस्त बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, सुबह के जो काम थे वो तो हो चुके थे, उसके बाद यहाँ पर हम आप लोगों से मिल रहे हैं नहाने के बाद। और आज हमने बाल भी धुले हैं। और दोस्तों, कल था निमंत्रण, तो ये निमंत्रण में गए थे तो वही कह रहे थे आज कुछ हल्का सा खाने का मन करा, यानी हल्का फुल्का बना लो, जैसे कि खिचड़ी डाल दो, उसके बाद फिर बनाते रहना। तो यहाँ पर हम चावल साफ कर रहे हैं, खिचड़ी डाल देंगे तो चारू के लिए भी आराम हो जाएगा, क्योंकि चारू को हमारी जो है खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। खिचड़ी हो, दही हो, तो उनके तो मज़े ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर खिचड़ी डाल देंगे, उसके बाद फिर खाना धीरे धीरे बनता रहेगा। तो यहाँ पर चावल साफ कर लिया है, उसके बाद दाल लेकर आए हैं, दाल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद खिचड़ी डाल देते हैं। और ये नहाने के लिए चले गए हैं, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ही ज्यादा व्यस्ततापूर्ण होता है हर किसी के लिए। तो दोस्तों, दाल चावल तो हमने साफ कर लिए हैं, उसके बाद खिचड़ी रख दी है बनने के लिए, उसके बाद अब हम पीने जा रहे हैं चाय, क्योंकि ये नहा के आ चुके थे तो चाय गर्म कर रहे हैं। और चारू भी उठ चुकी हैं और ब्रश करके आ चुकी हैं, यहाँ पर बिस्किट और चाय खा रही हैं, क्योंकि इनको चाय के साथ बिस्किट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए, 7:30 बजने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो सभी लोगों ने चाय पी ली थी, हम ही रह गए थे और ये रह गए थे, तो ये नहा के आ चुके थे, उसके बाद हम लोग पीने जा रहे हैं चाय। और चारू अपनी गाड़ी लेकर जुटी पड़ी हुई है। तो दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए, सुबह सुबह की गर्मा गर्म चाय पी लीजिए आकर। और दोस्तों, ये देखिए सुबह सुबह का खूबसूरत सा नजारा घर के बाहर का। और यहाँ पर ये है सफेद कद्दू, हमारे यहाँ इसको कुम्भड़ा बोला जाता है, और ये काफी दिनों से रखा हुआ था, करीब महीने भर तो हो ही गए होंगे। और ये काफी दिनों से कह रहे थे इसको बना डालो, नहीं तो ये अंदर ही अंदर खराब हो जाता है रखे रखे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों, हम इसकी बनाने जा रहे हैं मिथौरी। जी हाँ, हमारे यहाँ इसकी मिथौरी भी बनती है, आप लोगों के यहाँ भी बनती होंगी, तो उसी लिए हम इसको जो है इनसे कह रहे थे काटने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो कद्दू होता है उसको महिलाएं नहीं काटती हैं, तो इसीलिए इनसे कटवा लिया है। उसके बाद इसका छिलका निकाल देंगे, जो बीज होगा वो निकाल देंगे, उसके बाद धुल के इसको कद्दूकस करेंगे। और इन सब कामों में चारू का बड़ा ही ध्यान लगा रहता है, देखिए कद्दूकस लेकर बैठी हुई है कि मम्मा हम कद्दूकस करेंगे। और खिचड़ी बना दी है तो सब लोग खा लेंगे, उसके बाद आराम से खाना बनता रहेगा। और ये जो काम होता है मिथौरी बनाने का, ये सुबह हो जाए तो सबसे बढ़िया, क्योंकि दोपहर में बहुत ही तेज धूप हो जाती है,
इसीलिए हम लग गए हैं कि जितनी जल्दी बन जाएंगी उतना ही ठीक रहेगा। तो सारे छिलके निकाल देंगे। और दोस्तों, सबके यहाँ बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है, तो हमारे यहाँ जिस तरीके से बनाई जाती है उस तरीके से आपको बताएंगे। और पहले भी हम एक बार बना चुके हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। दोस्तों, इसकी मिथौरी भी बनाने के लिए शुभ लगन देखी जाती है, शुभ घड़ी देखी जाती है, तब जाकर आप मिथौरी बना सकते हैं। तो आज शुक्रवार था तो मम्मी भी कह रही थी कि बना लो, क्योंकि दो चार दिनों के बाद ही ये लगन जो है जाने वाली है, यानी अब शादी ब्याह नहीं होंगे और फिर मई में होंगे, इसी वजह से कह रही थी जितनी जल्दी बना लो उतना ठीक रहेगा। तो हमने सोचा चलो आज शुक्रवार है, नहीं तो कल फिर शनिवार पड़ जाएगा, फिर सीधा सोमवार को ही बन पाएंगी, तो इसीलिए आज हम लग गए हैं। और वैसे तो हमने नवरात्र में सोचा था लेकिन ही नहीं पा रहा था, और नवरात्र तो सबसे शुभ दिन होते हैं। वैसे तो सभी दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होते हैं, लेकिन जो लगने होती हैं यानी जब शादी ब्याह होते हैं तब ज्यादा ही शुभ माना जाता है। तो उसके बाद ये देखिए हम धुलके ले आए हैं, अब इनको कर लेते हैं कद्दूकस। आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वैसे तो हमारे गांव की भाषा में इसको कुम्हड़ा बोला जाता है, आप लोगों के यहाँ इसको क्या क्या कहा जाता है आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब एक ही चीज के अलग अलग नाम सुनो तो बड़ा ही अच्छा लगता है, पता भी चलता है कि कहाँ पर इसको क्या बोला जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कद्दूकस कर लिया है, और ये जो सफेद कद्दू होता है यानी कि कुम्हड़ा, इसमें बहुत सारा पानी निकलता है, तो इसको कपड़े से छान लेते हैं। ये सूती कपड़ा है तो इसको हमने ले लिया है और ऐसे दबा दबा पर इसका सारा पानी हम निकाल देंगे, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो हमारी मथौरी जो होती है वो अच्छे से नहीं बन पाती है। तो ये देखिए दोस्तों कितना सारा पानी निकल चुका है, अब इसको हम अलग निकाल के रख देंगे। अब ये वाला काम यहीं पर करते हैं समाप्त, अगले कामों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि चारू को स्कूल भी जाना है तो उनको तैयार भी करना है। तो चलिए इनको भी तैयार करना शुरू कर देते हैं, और इनके पापा तैयार होके जा रहे हैं क्योंकि इनको जल्दी जाना होता है, चारू थोड़ा सा देर में जाती है अपने दोस्तों के साथ में। तो ये देखिए दोस्तों इसका पानी हमने निकाल के रख दिया है, उसके बाद लग गए थे चारू को तैयार करने में, इनका टिफिन तैयार करने में। और ये देखिए आ चुकी है इनको लिवाने के लिए इनकी दोस्त, और इस समय इनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं, इनका बैग भी जो है बेकार हो चुका है, और ये देखिए थर्मस भी यहाँ पर निकल गया था। और जब स्कूल जाती हैं तो 100 नखरे दिखाती हैं, ये नहीं अच्छा है वो नहीं अच्छा है, लेकिन जैसे तैसे इनको भेजना पड़ता है, कई बहाने बनाने पड़ते हैं। तो अब जा रही हैं, अब इनको फुर्सत हो जाएगी, दोपहर में ही आएंगी, तो ननन जी इनको छोड़ देंगी क्योंकि स्कूल हमारे गाँव में ही है। स्कूल इनको भेज दिया था, उसके बाद लग गए हैं अपने काम में। यहाँ पर शाम को हमने उड़द की और चने की दाल को भिगो दिया था, उसके बाद सुबह अच्छे से साफ कर लिया है, अब इनको हम मिक्सी में पीस लेंगे। और वैसे तो अगर आप लोग चाहें तो चने की दाल को अगर ना डालें तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कि चने की दाल को नहीं डालते हैं, केवल उड़द की दाल को ही डालते हैं। तो हमने सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही जो है चने की दाल को डाला था, बाकी हमने ये देखिए बचा लिया है। तो ये दाल अब रखी रहेगी, शाम को इसका कुछ बन जाएगा। और यहाँ पर दाल हमने पीस ली है उड़द की, और थोड़ी सी चने की दाल को हमने मिक्स कर दिया था। उसके बाद इसमें हम मिला देते हैं जो सफ़ेद कद्दू हमने कद्दूकस करके रखा हुआ था, और उसका पानी भी हमने निकाल दिया था। उसके बाद इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे मसाले डालते हैं, हम ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च, और मिर्च ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि आप जब भी सब्जी बनाएंगे तो वैसे भी उसमें मिर्च डालेंगे, इसलिए थोड़ी सी हमने डाल दी है कूट के। उसके बाद थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे। अब इसका सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है इसको फेंटना। जितना अच्छे से फेंटेंगे आपकी मथौरी जो है सब्जी बनाते समय उतना अधिक फूलेंगी। तो चलिए इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है बहुत सारे मसाले ऐड करते हैं, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना तरीका होता है बनाने का, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है। और इसमें हमने हींग भी ऐड की थी, वो क्लिप हमसे छूट गई है, तो हींग भी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बिना हींग के तो भाई मिथौरी इतनी अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पर हींग भी डाल दी थी, उसके बाद अच्छे से फेंट लेते हैं।
और दोस्तों आप सभी लोग कमेंट के जरिए अपनी बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमारी माताएं अपनी बातें बताती हैं, बहनें अपनी बातें बताती हैं, तो सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और जैसे आप लोगों को हमारे वीडियो का इंतजार रहता है, वैसे ही हम भी बहुत ही बेसब्री से आप सभी लोगों के कमेंट का इंतजार करते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तो दोस्तों यहाँ पर मिथौरी बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और ये देखिए दाल हमारी बनकर हो गई है तैयार। उसके बाद हम आ गए थे छत पर, छत पर ही बनाएंगे, नीचे बाहर बनाएं तो इतना ज़्यादा धूप नहीं रहती है और छत पर शाम तक अच्छे से धूप रहती है। तो वही चारपाई हमने अंदर रख दी है, उस पर कपड़ा बिछा देते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं और यहाँ पर बनाएंगे तो आराम रहेगा। अभी बाहर नहीं निकालेंगे, जब सारी मिथौरी बन जाएगी तो चारपाई को बाहर डाल देंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमने थोड़ा सा आटा ले लिया है और कपड़े पर हल्का हल्का सा कर देंगे चलने से, ताकि जब हम मिथौरी बनाएं तो ये मिथौरी कपड़े पर चिपके नहीं। और अगर आप चाहें तो जो पन्नी आती है उस पर भी बना सकते हैं, उस पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, तब उस पर मिथौरी बनाइए तो मिथौरी जो है चिपकेंगी नहीं। तो सबका अपना अपना जो है तरीका होता है। तो यहाँ पर ये देखिए हल्के हल्के से कर रहे थे ताकि ज़्यादा आटा भी ना गिरे, क्योंकि ज़्यादा आटा हो जाएगा तो वो भी मिथौरी में चिपकने लगेगा, इसीलिए हल्का हल्का सा किया है। उसके बाद छोटी छोटी सी मिथौरी बनाएंगे। तो दोस्तों आखिरकार आज वो शुभ मंगल घड़ी आ ही गई है जब हमारी मिथौरी बन रही है। जी हाँ, इनको भी बनाने के लिए शुभ घड़ी देखा जाता है, जब शादी ब्याह होते तभी हम बना सकते हैं। और गर्मियों में क्या होता है दोस्तों कि अक्सर घर के सब्जी नहीं मिल पाती है, या घर में जब कोई सब्जी ना हो तब इसकी सब्जी बनाकर खाइए, बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है और कुछ नया हो जाता है। इसीलिए हमने पहले भी बनाई थी, यानी दिसंबर महीने में बनाई थी तो चल रही थी, फिर ख़त्म हो गई थी, तो अब हम फिर बना रहे हैं। और इस समय क्या होता है, इस सीजन में बनाने से ये जल्दी सूख जाती है। तो दोस्तों बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बनानी पड़ती हैं तो बहुत ही टाइम लगता है और सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे, तो हमने कहा चलो बना ही लेते हैं। और इनको बनाने में बड़ा ही अच्छा लगता है, और सोच रहे थे छोटी छोटी गोल गोल ही बने तो ज़्यादा देर लग रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए अभी थोड़ा सा और बाकी है, और जब ये बन जाती हैं, सूख जाती हैं और जब सब्जी बनकर तैयार होती है तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी लगती है। तो कौन कौन से दोस्त हमारे इस तरह की मंगौड़ी या मिथौरी बनाते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर धूप में बनाते तो आज तो दिमाग ही खराब हो जाता, इसीलिए जो है हमने चारपाई अंदर डाली है, आराम से छाया में बैठ के बना रहे हैं। फिर भी बाहर से ऐसा लग रहा है जैसे कि आंच जैसी आ रही है, बहुत ही कड़कती हुई धूप है, लेकिन फिर भी ये काम है तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर इसी तरह जो है टलता जाएगा और फिर वही होगा कि लगन जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो हमने सोचा चलो आज ये सारे काम कर ही डालते हैं, और घर के काम तो रोज़ ही होते रहते हैं। और हम लोगों के यहाँ क्या होता है, जब लड़की की शादी होती है तो इस तरह की मिथौरी बनाकर लड़के वालों के यहाँ भेजी जाती है, तो वो तो इनसे भी छोटी छोटी सी बनती है, तो उनको बनाने में 5 या 7 सुहागने लगती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह की मिथौरी बनाई जाती है। तो आप लोगों के यहाँ ये रस्म होती है कि नहीं, आप लोग भी बताइएगा। तो ये देखिए बनाते बनाते अभी इतनी ही बन पाई हैं, काफ़ी टाइम लग गया था इनको बनाने में। और ये देखिए दोस्तों उंगलियों की सहायता से छोटी छोटी सी मिथौरी हम बना रहे हैं, थोड़ा सा सोच रहे थे गोल गोल ही हो तो देखने में अच्छी लगेंगी, तो थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है लेकिन जब बनके तैयार हो जाती हैं तो और भी अच्छी लगती हैं। और इतनी ही बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, ज़्यादा बनाते तो आधी दोपहर ही निकल जाती, तो हमने सोचा बस अब समाप्त करते हैं, कम पड़ेंगी तो फिर किसी और दिन बना लेंगे। और दोस्तों जब गांव में शादी ब्याह होते हैं ना, तो इस तरह के काम महिलाएं 15 दिन पहले, महीने भर पहले ही करना शुरू कर देती हैं, तो लगता है हाँ इनके घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, गीत गाए जाते हैं जब मिथौरी बनाई जाती है, तो इस तरह के रीति रिवाज कुछ होते हैं गाँव में। तो ये देखिए मिथौरी बनकर तैयार हो गई थी, उधर हमने जो है चारपाई को कर दिया है, और सारा दिन धूप रहेगी तो जो है ये मिथौरी सूख जाएंगी।
सफ़ेद कद्दू की मिथौरी थी वो बनकर हो गई है तैयार और बहुत ही तेज धूप निकली है चारों तरफ से, ऐसी लग रहा है कि जैसे आँच सी आ रही हो। और हमने चारपाई टीन के नीचे ही रखी थी ताकि जो है ज़्यादा धूप ना लगे। तो मिथौरी जब हमने बना ली है तो चारपाई को बाहर जो है पहुँचा दिया है। उसके बाद चलिए चलते हैं, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं हमारे और कपड़े हमने भिगो के रख दिए थे सुबह ही, और अभी उन कपड़ों को भी धुलना है और आप सभी तक वीडियो भी पहुँचाना है। तो एक साथ इतने सारे काम हो जाते हैं तो संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों चारों को स्कूल भेज देते हैं तो थोड़ा सा राहत मिल जाती है कि जल्दी जल्दी से काम में लगे रहते हैं, और थोड़ी देर में ही वो आने वाली हैं, यानी करीब 12 या 12:30 बजे वो आ जाती हैं। और वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है दोपहर में, स्कूल में बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो चलिए फटाफट से काम निपटाते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, काम बहुत ही ज़्यादा पड़े हुए हैं हमारे। और यहाँ पर हमने ढेर सारे कपड़े भिगो दिए थे तो ये भी धुलने हैं, और तब तक हमारी चारू भी आ गई थी तो इन्होंने कपड़े उपड़े उतार दिए थे। उसके बाद ये आज लग गई हैं गाड़ी साफ़ करने में। इनकी गाड़ी जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी तो कैसे लगी हुई हैं सफाई करने में, और इन कामों में इनका बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। तो अभी तो कपड़े से ही साफ़ कर रही थी, लेकिन बाद में क्या किया इन्होंने, बोतल में पानी भर भर के खूब साफ़ किया अपनी गाड़ी को। और बचपन में जब आई थी तब तो नहीं चलाती थी, लेकिन अब जब बड़ी हो गई है तो गाड़ी को चलाती हैं। तो स्कूल जाने के बाद जब बच्चे घर आते हैं थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए सारे काम कर ले तो ज्यादा ठीक रहता है। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, क्योंकि आज ये वीडियो अभी आप लोगों तक पहुंचाना है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का इंतजार, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।